प्रधानाध्यापकों के लिए अच्छी खबर है, जो शिकायत करते थे कि सहायक अध्यापक उनका सुनते नहीं है, काम नहीं करते हैं, तो इसीलिए अभी क्या हो जाएगा कि प्रधानाध्यापक जो उनको काम दे सकेंगे और इस बार बच नहीं पाएंगे। क्योंकि क्यों नहीं बच पाएंगे, इसी के बारे में हमारा वीडियो है। तो अब सहायक अध्यापकों को भी काम करना पड़ेगा, अब काम चोरी नहीं चलेगी, जो प्रधानाध्यापकों की नहीं सुनते थे। तो जो नया आदेश आज ही के दिन आया हुआ है, तो देखिए किस तरीके से प्रधानाध्यापक जो है अपने सहायक अध्यापकों पर शिकंजा कसेंगे और उनकी जवाबदेही तय होगी कि जो आपको काम दिया गया है क्यों नहीं किया गया है। इससे ये होगा कि विद्यालय की स्थिति में सुधार होगा और प्रधानाध्यापक और सहायक मिलकर काम कर सकेंगे अच्छी तरीके से। देखते हैं क्या है आदेश। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमें यूट्यूब चैनल रिपेसलार एजुक में स्वागत है। आज का एक और आदेश आया है, निपुण भारत के मिशन के लक्ष्यों को समयबद्ध प्राप्ति हेतु शिक्षक कक्षा आवंटन के संबंध में एक आदेश आया हुआ। तो चलिए हम जल्दी जल्दी बताते हैं कि क्या करना है। मज़ेदार है, प्रधानाध्यापकों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत मज़ेदार है। आप अवगत है कि निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन शासन आदेश ये फला 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 27 दिन निर्गत किए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। संचालित गतिविधियों इस हेतु मेजरेबल गोल्स को निर्धारित किए गए हैं तथा वर्ष 2025-26 तक निपुण प्राप्त किया जाना है। बच्चों को शैक्षणिक स्तर को कक्षा अनुरूप बनाए जाने, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों को बुनियादी भाषाई व गणितीय दक्षताओं प्राप्त कराने के लिए आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के माध्यम से वृहद सुनियोजित शिक्षण कार्यक्रम स्ट्रक्चर्ड पेडागोगी का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके साथ ही विभिन्न शैक्षिक सामग्री यथा आकर्षक पोस्टर, बिग बुक्स, पिक्चर स्टोरी कार्ड, वार्तालाप चार्ट, TLM गणित किट, विज्ञान किट, लाइब्रेरी बुक्स, तालिकाएं आदि समस्त प्रसिद्धीय विद्यालय उपलब्ध कराई गई हैं तथा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन के माध्यम शिक्षकों को गुणोत्तर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। तत्क्रम में बच्चों को कक्षानुरूप दक्षताओं की समयबद्ध प्राप्ति है तो निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करें। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में कार्य शिक्षकों को निर्धारित कक्षाओं का आवंटन किया जाना है, अर्थात टीचर क्लास मैपिंग सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक विद्यालय निपुण होने की तिथि स्पष्ट निर्धारण किया जाना है, मतलब प्रत्येक। चलिए खैर आगे देखते हैं। उक्त के संबंध में प्रेरणा पोर्टल पर DCF विकसित किया गया है, तत्संबंधी प्रति विस्तृत विवरण संलग्न है। उपयोक्ता अनुसार प्रत्येक विद्यालय में प्रधानाध्यापक इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा दिनांक 20 जुलाई 2023 तक प्रेरणा पोर्टल पर विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का कक्षावार मैपिंग सुनिश्चित करते हुए निपुण विद्यालय के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु स्पष्ट समय सीमा का आकलन किया जाए। शिक्षा कक्षा आवंटन निपुण लक्ष्य निर्धारित दक्षताओं के समयबद्ध प्राप्ति हेतु प्रभावी सिद्ध होगा। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों द्वारा विद्यालय में किए जा रहे सराहनीय कार्यों का जनपद और राज्य स्तरीय पहचान सुनिश्चित हो सकेगी। उनके द्वारा संपादित उल्लेखनीय कार्यों के उदाहरण बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में प्रस्तुत किया जाए। निर्देशित किया जाता है कि उपयुक्त अनुसार कार्यवाही किया जाने के संबंध में आदेश है। आदेश आगे देखें, आगे भी एक चीज़ है, ये कुछ चीज़ है जो है। देखिए क्या लिखा है, ब्लॉक का नाम यूडाइस कोड और विद्यालय का हेडमास्टर का नाम, विद्यालय में खुद विद्यार्थी, विद्यालय में औसत विद्यार्थी की उपस्थिति अप्रैल के की देख रहे। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, शिक्षक का नाम, शिक्षक का पद, चयनित कक्षा, चयनित कक्षा Grade 1 Grade 2, मतलब ये पूरा शिक्षक का डिटेल भर देना है। अब यानी कि अब ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा कि भैया शिक्षक कौन, शिक्षक किस क्लास के लिए जिम्मेदार है, इवन शायद भाषा के लिए भी जिम्मेदार है। हाँ, ग्रेड के लिए, निपुण बनाने के लिए चयनित कक्षा 1, चयनित कक्षा 2 के लिए जिम्मेदार है। क्रम संख्या भी लिखी हुई है, कक्षा लिखी है, विषय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यालय में कुछ विद्यार्थियों की संख्या, विद्यालय में कुल निपुण विद्यार्थियों की संख्या एवं भाषा गणित निपुण ऐप के अनुसार। ये ढेर सारी निपुण विद्यार्थी, आप विद्यालय कब तक जो है निपुण बनाएंगे, आपका विद्यालय कब तक निपुण बन जाएगा, ये ढेर सारी चीज़ें जो हैं। किसी के अतिरिक्त TLM की आवश्यकता है, यदि हाँ तो बताएं आपको किन TLM की आवश्यकता है, ये ढेर सारी चीज़ें आपको
अब हेडमास्टर के लिए थोड़ा आराम हो जाएगा कि जिम्मेदारी जब आ जाएगी। चलिए ठीक है, अच्छी चीज़ है। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।